दोस्तों हार्दिक और नताशा अब अलग हो गए हैं क्योंकि पीछे खबर आई थी और इनफैक्ट तलाक का जो उन्होंने पोस्ट वायरल हुआ था आप सबने देखा होगा। लेकिन अब हार्दिक पांड्या की लाइफ में किसी एक बॉलीवुड लड़की ने एंट्री मार ली और ये देखिए हमारे साथ कौन है प्रियांशा। अब ये भी बॉलीवुड कवर करती हैं और क्रिकेट हम कवर करते हैं, यानी क्रिकेट और बॉलीवुड का जो कनेक्शन है वो बड़े कमाल का और ये तो लंबे टाइम से है। और ऐसे में अब जानना बड़ा दिलचस्प होगा भाई हार्दिक पांड्या की लाइफ में किसने ऐसी एंट्री मारी है, बताइए। हार्दिक पांड्या की लाइफ में किसी और ने नहीं बल्कि बॉलीवुड की फैशनिस्टा गर्ल जो है कही जाने वाली अनन्या पांडे ने एंट्री मारी है। और एंट्री ऐसे वैसे नहीं मारी है, ये एंट्री जो है शुरू हुई है जो है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में इनको साथ में देखा गया था। अच्छा। जोड़ी को जोड़ी कहना अभी ठीक नहीं होगा, बट हाँ इन्हें साथ में देखा गया था और दोनों ने मिलकर जो डांस किया है, जो ठुमके लगाए इस पार्टी में, इसके वीडियो भी काफी सामने आए थे, वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। और अभी हाल ही में जो है हार्दिक पांड्या और अनन्या पांडे ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है। अब फॉलो जरूर किया है लेकिन अनन्या पांडे सिर्फ 25 इयर्स की है, वो 25 साल की है। और हार्दिक पांड्या की जहाँ तक बात है, वही नताशा के साथ 2020 में आई थी उनकी शादी हुई थी और 4 साल बाद उनका डिवोर्स हुआ है और उनका एक बेटा भी है वैसे। लेकिन हार्दिक पांड्या अब जब जैसे T20 वर्ल्ड कप जीता ना प्रियांशा, तो हार्दिक पांड्या रोए थे उसके बाद क्योंकि उनके अंदर वो टीस थी और शायद लंबे टाइम से चल रहा था ये सब चीज़ें। लेकिन हार्दिक पांड्या फिर अलग से हो गए थे और जैसे आपने बताया अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी में जब वो नजर आए तो अलग ही रंग में नजर आए, वो उनका जो साथ दिया डांस करते हुए वो थी वन एंड ओनली वन अनन्या पांडे। अब अनन्या पांडे के बारे में बताइए कैसी है, उससे पहले भी क्या फेयर हुआ था जी अनन्या पांडे का, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है अनन्या पांडे का आदित्य रॉय कपूर से ब्रेकअप हुआ है, जिसके चलते आदित्य रॉय कपूर भी काफी दुखी नजर आ रहे हैं। जो भी उनके एयरपोर्ट लुक सामने आ रहे हैं, कोई भी वीडियो सामने आ रहा है, बात करें अनन्या पांडे की तो अनन्या पांडे भी जो है काफी ज्यादा दुखी नजर आ रही है। हर पोस्ट के साथ एक टैग जो है उनके जुड़ा रहता है कि काफी उदास लग रही है, काफी जो है वैसी लग रही है। लेकिन इस शादी में जो है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में वाकई अनन्या काफी खुश लग रही थी। अब इस पर कोई राय देना, अभी से कोई राय बनाना कि वाकई ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन बात करें अनन्या पांडे की तो अभी वो थोड़ी सी खुश नजर आ रही, पहले के मुकाबले थोड़ी सी खुश नजर आ रही। बिल्कुल, लेकिन आपने बताया कि कई बार अनन्या पांडे और आदित्य को सपोर्ट किया गया है, कई जगह पर देखा गया था, लेकिन अब हार्दिक और अनन्या पांडे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ ही इन्होंने फॉलो किया है, तब से एक खबर ऐसी फैली है, सनसनी सी मच गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। क्या यही दोबारा एक बार फिर से हार्दिक और अनन्या पांडे एक हो सकते हैं? आपको कैसा लगता है कि अगर दोबारा एक हो जाए तो क्या आप इनपुट देना चाहोगे दोनों में? देखिए अगर मैं जैसे कि आपने पहले कहा था कि बॉलीवुड और क्रिकेट का रिश्ता नाता जो है बहुत पहले से रहा है, काफी सारे ऐसे कपल्स हैं जो कि बॉलीवुड और जी हाँ बॉलीवुड और कपल्स बॉलीवुड और क्रिकेट से जुड़े रहते हैं। ये कपल्स जो है आप देख लीजिए अनुष्का विराट को देख लीजिए, ऐसे तमाम आपको कपल्स मिल जाएंगे। एक और नाम अभी हाल ही में आया, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने बॉलीवुड और क्रिकेट का तो यार बचपन से ही देखता है वो, ऐसे ऐसे इनफैक्ट हम पढ़ते हैं देखते हैं, जहाँ पर नवाब पटौदी क्यों ना हो उनका भी नाम था। और उसके बाद इनफैक्ट बहुत सारे अभी धनुश्री का जो किया यूजी चहल ने, इनका भी इनफैक्ट बॉलीवुड क्रिकेट से जोड़ा गया है। और भी इनफैक्ट मैं बात कर रहा था शायद जहीर खान उनका भी नाम था शायद। अगर बात करें अगर ये जोड़ी बनती है, अगर अनन्या पांडे और हार्दिक की जो है जोड़ी बनती है, तो वाकई ये एक कह सकते हैं कि हार्दिक अपनी फील्ड में बेस्ट है, अनन्या अपनी फील्ड में बेस्ट है, दोनों जो है परफेक्ट कपल के ऊपर नजर आएंगे, परफेक्ट कपल के रूप में नजर आएंगे। देखिए अभी तो पहली मुलाकात है, तो पहली मुलाकात में बात बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा अभी तो खैर ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही है, लेकिन जब तक और अच्छे से हम नहीं देख सकते क्योंकि दो तीन जगह अगर और देख लिया तो फिर हो सकता है कि वेरीफाई का टिक लग सकता है। वैसे अभी इनको पहली बार देखने के बाद ही हेडलाइंस बनने लगी हैं, अगर आप अभी भी हार्दिक पांड्या या अनन्या पांडे का नाम एक साथ लगेंगे तो आपको हेडलाइंस यही नजर आएंगी, कौन किसको डेट कर रहा है, क्या दोबारा से अनन्या की लाइफ में आई खुशी, और हार्दिक पांड्या आप जो है किसको डेट कर रहे हैं, कौन सा कनेक्शन बन रहा है दोनों के बीच में, ऐसी खबरें अभी तो सामने आ चुकी हैं। अब दो तीन मुलाकातों के बाद कौन सी खबरें सामने आएंगी ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। इनफैक्ट लेकिन भाई हार्दिक नताशा को अलग, लेकिन ये जो एंट्री मारी ये बड़ी धमाकेदार एंट्री मारी है।
क्योंकि हार्दिक पांड्या ने भी फॉलो किया, हार्दिक पांड्या ने फॉलो किया है अनन्या पांडे को, दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं और देखते हैं इसमें आगे क्या हो सकता है। लेकिन आपको दोस्तों करना क्या है, आपको NN बॉलीवुड और NN स्पोर्ट्स यानी कि न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको ओनली और कहां मिलेगी, इन्हीं दोनों चैनल्स पर मिलेगी। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।